पांच व्रत काटने से पहले जरा विचार करिएगा। पांच पहले नंबर का है बेलपत्री का व्रत, दूसरे नंबर पर है पीपल का व्रत, तीसरे नंबर पर है वट व्रत, चौथे नंबर पर है शमी व्रत और पांचवें नंबर पर है आंवले का व्रत। ये पांच व्रत ऐसे हैं जिनको काटने का, जिनको निकालने का तरीका भी हम पूर्व में जो कथाएं 2018 की 2019 की जो कथाएं आप लोगों ने कुबेरेश्वर धाम से सुनी होगी कोरोना महामारी में, उसमें हमने इसका तरीका भी बताया है कि आपको बेलपत्री का वृक्ष कैसे निकाल देना चाहिए। अगर आपको पीपल का वृक्ष काटना है तो उसको किस तरह से काटना चाहिए, आपको बट का वृक्ष काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, शमी का वृक्ष आंवले का वृक्ष यदि आपको काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, ये सारा तरीका हमने 2018 की 2019 की कथाओं में वर्णन किया है। YouTube पे डली होंगी कथाएं, आप उसमें सुन सकते। पांच वृक्ष को काटने से पहले, पांच वृक्ष को निकालने से पहले विचार करना चाहिए। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छी उपाय के बारे में जानिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। इसी तरह बताए गए शिव महापुराण कथा के अंतर्गत उपायों के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव।